मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग। लेकिन अध्यक्ष जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है। पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। और 75 का कालखंड, माननीय अध्यक्ष जी, 75 का कालखंड जस देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताले लगा दिए गए और उन्हें अंदाज नहीं था कि जनशक्ति क्या होती है। लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ। और जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने जनशक्ति का उल्लेख करते हुए जो कहा है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है, इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पढ़ा रहे तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। सबसे देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है, हम मानते हैं। उसके लिए तो सारे लोग हमारे कुर्बान दिए, गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजू जी कुर्बान दिए। आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। और सबने मिलकर के लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है।